हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो यार, इतनी रात को मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि हर जगह पर अब एक ही न्यूज़ देखने को मिल रही है कि नीट का एग्जाम रिकंडक्ट होगा या फिर रीनीट करवाया जाएगा। और बार बार यही बताया जा रहा है कि नीट का एग्जाम जो है दोबारा कंडक्ट होगा और इसको रीनीट बोलेंगे। तो क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। एनटीए ने इसके लिए एक नोटिस रिलीज किया है, वो नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख जाएगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का रीजन सिर्फ और सिर्फ यही था कि ये रूमर्स आखिर चल क्यों रहे हैं, कितनी इसके अंदर सच्चाई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और आप सभी का नीट 2024 का एग्जाम अच्छा हुआ हो या फिर बुरा हुआ हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा खुद को टाइम दो और थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करो। आपका पेपर अच्छा हुआ है, वेल एंड गुड। अगर बेकार भी हुआ है तो भी कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस चैनल को अगर देख रहे हो, इसको सब्सक्राइब करो। मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताऊंगा जिसमें कि आप बहुत बेटर कर सकते हो। तो अभी फिलहाल बात करेंगे कि रीनीट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। तो बात करें नीट 2024 के पेपर को आउट या फिर लीक मामले की खबर को चलते हुए, एनटीए ने एक नोटिस रिलीज किया है जिसमें कि उन्होंने इसके लिए अपडेट दिया है। और ये अच्छी बात है कि एनटीए ने जस्ट एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में ही ये अपडेट डाल दिया है स्टूडेंट्स के लिए, कि ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दरअसल बात ये है कि जो एक सेंटर था सवाई माधोपुर का, इस सेंटर का नाम है गर्ल्स हाई सेकेंडरी मॉडल स्कूल, जो है सवाई माधोपुर का था। उस सेंटर पे करीब 120 स्टूडेंट का सेंटर था, यानी कि इस स्कूल के अंदर या फिर इस हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर कुछ स्टूडेंट का सेंटर पड़ा था नीट 2024 के लिए। तो वहां पर टोटल 120 स्टूडेंट्स थे जिनको कि पेपर बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था इन्विजिलेटर की तरफ से, जिस वजह से कुछ स्टूडेंट एग्जाम सेंटर से जल्दी रिलीव हो गए, यानी कि उनको जल्दी छोड़ दिया गया। यानी कि उन्होंने बोला होगा कि हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है, तो क्या हम एग्जाम कि जो ओमआर है वो सबमिट करवा के जा सकते हैं, तो उन्होंने जाने के लिए अलाउ कर दिया था। इस वजह से वहां पर ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे अपलोड कर दिया था। ये बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बड़ी बात ये थी क्योंकि आपको पता है कि नीट का एग्जाम 2 बजे से स्टार्ट होता है और 5:20 तक का उसका टाइम था। लेकिन 4:20 पर ये क्वेश्चंस इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पे देखे गए, जिसकी वजह से लोगों में एक बात सामने आ गई कि ये पेपर तो लीक हो चुका है। अगर पेपर लीक हुआ है तभी तो पेपर 4:20 पे क्वेश्चन पेपर उसके आउट हुए हैं, क्योंकि जैसे ही 5:20 पे एग्जाम खत्म हुआ तो सेम वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिले लोगों को, जो कि 4:20 पे लीक हुए थे। इस वजह से इस बात में सच्चाई और बढ़ गई कि पेपर तो पहले लीक हो चुका था, बट सही मामला क्या है वो एनटीए ने इसके लिए ये नोटिस देख के समझा दिया आपको। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, इसकी कटिंग आप चेक कर सकते हो। इस स्कूल के अंदर टोटल 120 स्टूडेंट का सेंटर था जिनको कि इन्विजिलेटर की गलती की वजह से वहां पर ये पेपर जल्दी दे दिया गया था, जिसकी वजह से स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट कर दिया जहां पर क्वेश्चन जल्दी देखने को मिल गए, 1 घंटे पहले यहां पर ये क्वेश्चंस देखने को मिल गए। लेकिन अब बात ये आती है कि तो ये सब चलो हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन अब क्या हो रीनीट होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का हो सकता है कि पेपर खराब गया हो, तो उनको उम्मीद इसलिए बढ़ गई होगी कि यार नीट दोबारा हो जाएगा, अब तो कहीं ना कहीं पे मैं थोड़ा बहुत जो मेरे से मिस्टेक हुई है उसको मैं ठीक कर लूंगा। लेकिन अब इसके लिए एनटीए ने क्या बोला है वो मैं दिखाता हूँ आगे आपको। तो स्क्रीन के ऊपर आपको सारी डिटेल दिखी होगी, एनटीए का नोटिस दिख गया होगा। तो एनटीए ने अब नोटिस में क्लियर किया है कि वहां पर सही से एग्जाम कंडक्ट करवा ली गई है दोबारा, यानी कि उस सेंटर पे जितने भी स्टूडेंट थे जिनसे कुछ मिस्टेक हुई थी इन्विजिलेटर से या फिर किसी और से, कोई भी गलती हो सकती है, बट एनटीए ने इसके लिए क्लेरिफिकेशन दे दिया है कि उस सेंटर पे, जो कि नाम मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया वो आप देख लेना, बाकी मैंने बताया था कि गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल था सवाई माधोपुर का, तो वहां पर रीनीट होने के चांसेस अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस सेंटर पे जो मिस्टेक हुई थी उसके लिए एनटीए ने नोटिस डाल दिया है कि ये मिस्टेक हुई थी। लेकिन अब उस जगह पर जो है कि 5:20 तक एग्जाम ठीक से करवा लिया गया है, अब किसी तरीके की कोई भी गलती नहीं हुई है और अब रीनीट होने के चांसेस ना के बराबर है। तो इस भ्रम में तो आप बिल्कुल भी मत रहना कि दोबारा से नीट कंडक्ट करवाया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, नीट दोबारा कंडक्ट नहीं होगा, ये बात आज अभी भी देख लो। अगर इन केस कोई नई इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल के आती है, अगर रैली में पेपर आउट हुआ था, तो फिर डेफिनेटली कोई ना कोई अपडेट एनटीए और डालेगा, तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। थ्रू आउट द काउंसलिंग हम आपका साथ रहेंगे, यानी कि जब रिजल्ट से लेकर, यानी कि आज आपका एग्जाम खत्म हो गया, आप थोड़ा रिलैक्स करो, आपके सर के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हटा होगा अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो। अगर नहीं भी हुआ है तो भी कोई बात नहीं है, हम आप इस चैनल से जुड़े रहो, आपको वो हर एक इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, काउंसलिंग तक आपका साथ रहेंगे और आपको बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में बताएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो
अभी के लिए रीनीट एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा, आप ये ध्यान रख लेना। अगर इन केस कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा, बट फिलहाल आप थोड़ा रिलैक्स करो और अपने आप को थोड़ा टाइम दो। तो मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत।